हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मेन किचन। मैं हूं नेहा। आज हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड, वो भी ब्रेड की हेल्प से। इसका टेस्ट बिल्कुल सेम गार्लिक ब्रेड का लगता है जैसे जो मार्केट में मिलती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे एक पैन गैस का फ्लेम हम ऑन कर लेते हैं। पैन को गर्म कर लेंगे। पैन हमारा गर्म होकर डाल देंगे इसमें हम बटर और इसे हम मेल्ट हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे 8 लहसुन कलियाँ जो चीज मैंने क्रश कर लिया है, डाल देंगे हम ये लहसुन कलियाँ को बटर में और इसे हम भून लेते हैं। ये भून गया, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। वापस से हम ले लेंगे ये पैन, गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। पैन को पैन हमारा गर्म ही है, डाल देंगे यहाँ पे हम बटर और ब्रेड को हम बस एक तरफ सेकना है हमें, तो बस इसे हम सेक लेंगे। ब्रेड हमारा अच्छे से सीख गया एक तरफ से। गैस का फ्लेम हम बंद कर लेंगे और निकाल लेते हैं इसे हम एक प्लेट में। जितना सिका हुआ ब्रेड है हमें उसे ऊपर से भूनना है। हम लेंगे ये बटर और गार्लिक का जो हमने बनाया था इसे हम अप्लाई कर देंगे अच्छे से पूरे ब्रेड पे। डाल देंगे इस पे हम चीज, जितना चीज पसंद है उतना चीज डाल सकते हैं यहाँ पे। तो हम डाल रहे हैं यहाँ पे चीज। मैंने मोजरेला चीज का यूज किया है। डाल देंगे इस पे हम थोड़ा सा काला नमक, साथ ही डालेंगे इसमें हम ये ओरिगैनो। डाल देंगे इसमें हम चिली फ्लेक्स। मैं इसे अवन में बेक कर रही हूँ, तो मैं इसे अवन में चीज को पिघलने तक इसे बेक करूंगी। अगर आप गैस पे बेक कर रहे हैं तो इसे गैस में बनाने में 2-3 मिनट लगता है। तो आइए इसे हम डाल देते हैं अवन में। अब तो मैंने लिया यहाँ पे बेकिंग ट्रे, रखेंगे हम ब्रेड को और इसे हम बेक करते हैं। हम मैंने इसे 5 मिनट अवन में बेक किया है और तैयार है हमारा गार्लिक ब्रेड। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मेरी रेसिपी के साथ अपने यूट्यूब चैनल नेहा स्नेहल किचन पे। थैंक यू।